फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वजाइना हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसका रिव्यू बताने जा रही हूँ, जो कि है रस्टिक आर्ट का इंटीमेट वॉश। और ये वॉश काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है। वजाइना को हेल्दी कैसा रखा जाए, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको बताती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। इंटीमेट वॉश यूज़ करना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी से आपके इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये प्रोडक्ट स्पेशली उस पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं जो कि आपके वजन को क्लीन रखते हैं, ड्राई रखते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो वजाइना एरिया है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए ताकि आपको वो इन्फेक्शन से बचा सके। तो ये एक प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, ऑलमोस्ट ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। ये पूरा यूज़ किया है मैंने, इसलिए ये बॉटल थोड़ा सा ख़राब आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये रस्टिक आर्ट एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही बनाता है। और दो वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किए थे, इसका एक फेस वॉश और इसका एक बॉडी वॉश, दोनों ही बहुत ही अमेजिंग है गाइस, मैंने यूज़ किया है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं देते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट्स मुझे मिले थे, आपको भी मिलेंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका सब में ही ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और ये वाला जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और इसको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए इसको, ताकि आप भी इसको ट्राई कर सकें, यूज़ कर सकें। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसमें केमिकल नहीं होता है, मैं फिर से आपको ये बता देना चाहती हूँ। और जैसे कि इसमें मेंशन किया हुआ है, ये पैराबिन एसएलएस फ्री है, जो दोनों ही तरह के प्रिजर्वेटिव केमिकल्स हैं वो उनसे ये फ्री है, एनिमल टेस्टिंग भी नहीं की हुई है। और इसमें सारे ही प्रोडक्ट जो यूज़ किए हैं वो सारे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें कोकोनट ऑयल, लेवेंडर ऑयल, टर्मरिक, एलोवेरा जेल, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही इसमें मिल जाएंगे आपको। और ये आपके वजाइना के लिए बिल्कुल सेफ है, ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि वजाइना को ड्राई रखना और क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात बहुत अच्छी ये है कि ये पैराबिन एसएलएस फ्री है, दूसरा ये मेड इन इंडिया है गाइस, और तीसरा कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे ही नेचुरल हैं, और ये इतना महंगा भी नहीं आता है, 275 रुपीज़ का ये एमआरपी है, लेकिन इससे भी सस्ता आपको किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगा। और इसकी जो एक्सपायरी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट से 24 मंथ्स के लिए होती है, यानी कि मोर देन इनफ। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा स्मूथ है। और इसका जो फॉर्म है वो बिल्कुल लिक्विड टाइप का फॉर्म है, ये जेल फॉर्म में भी नहीं है और क्रीम फॉर्म में भी नहीं है, फोम में भी नहीं है, ये एक लिक्विड फॉर्म में है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको अपने इंटीमेट एरिया पे बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। यूज़ करने से पहले आप थोड़ा सा शेक करिए, फिर उसको हाथ पे ले लीजिए, जितना अमाउंट आपको चाहिए आप उतना ले लीजिए, और हाथ पे लगाकर आपने वजाइना को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, और आगे से पीछे की तरफ हमेशा साफ करना चाहिए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए ताकि इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा कम रहे। ये 100 ml की एक बॉटल आती है, इसका छोटा या बड़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे छोटा आपको नहीं मिलेगा, तो आपको यही ऑर्डर करना होगा। और ये 275 रुपीज़ का है जैसे कि मैंने बताया, और डिस्काउंट भी आपको इस पर मिल जाएगा। आफ्टर भी आप अपने इंटीमेट एरिया को साफ कर सकते हैं, आप वाटर से वॉश कर सकते हैं उसको, या टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर आप जब यूज़ करते हैं तो उससे जो होता है आपकी बॉडी थोड़ी सी रगड़ खाती है, तो उससे आपका जो एरिया है वो थोड़ा सा काला हो सकता है, इसलिए प्रेफर करिए कि पानी से धोकर तब उसको टिश्यू से डैप करके पोंछ दें। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, जो आपका प्यूबिक हेयर्स हैं उसको हमेशा ट्रिम्ड रखना चाहिए या फिर बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप क्लीन नहीं रखेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन आप साफ रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी हो जाए आपको ट्रिम तो उसको करना ही है। और अपनी प्यूबिक एरिया जो है उसको नरिश करने के लिए आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। वजाइना के अंदर आपको कोई भी चीज़ नहीं लगानी है, ना ही इंटीमेट वॉश, ना ही कोई क्रीम, ना परफ्यूम, ना ही सोप, कुछ भी नहीं, सिर्फ बाहर का जो एरिया है वही आपको नरिश करना है, क्लीन करना है। यानी कि आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेंगे, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, सिर्फ वही, केमिकल वाला कोकोनट ऑयल बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था
कि कोकोनट ऑयल कौन सा अच्छा होता है। मुझे जो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो पतंजलि का कोकोनट ऑयल है, क्योंकि वो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं है। तो मैं वो यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं अपने बालों में भी वही यूज़ करती हूँ और मैं उसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, तो आप भी वो यूज़ करके देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और वही आप थोड़ा सा लेके अपने वजाइना पे अच्छी तरह से लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत कम भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा लेके जितनी रिक्वायरमेंट है आप उसको डैप करके अपने उस एरिया पे डैप करके पूरे में अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे जो फॉल्स स्मेल है वो भी नहीं आती है। अगर आप कोई परफ्यूम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी, परफ्यूम मत यूज़ करिए क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो वजाइना पे नहीं लगाइए, उसके साइड वाला जो आपकी थाइस है वो आप उस पे लगा सकते हैं, उससे भी जो फ्रेग्रेंस है वो आ सकती है। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।